एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक मुंडा पांडे स्थित गोविंदपुर कला गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में इस गांव के प्रधान सर्वेश कुमार हैं, जिन्होंने अपने गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों को लाभ भी मुहैया कराया जा रहा है। प्रधान ने बताया कि उनके गांव में उनके द्वारा लगभग 15 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जिससे पानी की व्यवस्था गाँव में दुरुस्त कराई जा सके। इसके अलावा लगभग 100 बिजली के पोल भी लगवाए गए हैं, जिससे गाँव में बिजली व्यवस्था को भी दुरुस्त कराया जा सके। बात अगर शिक्षा की करें तो यहाँ पर लगभग 40 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए। जब एबीपीएस न्यूज की टीम ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है तो वहीं खड़ंजों का निर्माण भी करवाया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में शौचालयों का निर्माण करवाकर ग्रामीणों को वितरित भी किया जा चुका है, जिससे गाँव को शौचमुक्त बनाया जा सके। वहीं गाँव में सोलर लाइटें भी लगवाई गई है, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में परेशानी का सामना न करना पड़े। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में बिजली पोल की व्यवस्था के साथ ही साथ ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था कराई जाए, जिससे गांव में बिजली की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि गांव में अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत घर का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार गोविंद कला ब्लॉक मुंडा पांडे से बोल रहा हूँ। मैंने जो कार्य कराए हैं, सरकारी नर सड़क से खरंजा है वो भी कराए मैंने, और जो कार्य कराए हैं वो करा दिए, और लाइट भी लगवाई हैं, सूरी लाइट भी लगवाई हैं। मगर मुझे अब जो है का कुछ मांगे हैं मेरे यहाँ, नहीं तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही पंचायत घर है, ना ही आंगनबाड़ी केंद्र है, ना ही बारात घर है, ना ही खरंजा, बाहर का खरंजा मतन पानी निकलने के बाहर का कोई निकास नहीं है। नहर की जो है का बहुत परेशानी है पानी निकलने की गांव से, इसकी जो है का निर्माण होनी चाहिए। और जो है और कोई कार्य थोड़े बहुत हैं वो जो है का होनी चाहिए। ग्रामीणों ने भी एबीपीएस टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि ग्राम प्रधान बेहतर तरीके से विकास कार्य करा रहे हैं। नाम साहब सिंह, ग्राम गोविंदपुर कला के रहने वाले हम सबके सहयोगी हैं, इसलिए हमारे गांव में बहुत सी कठिनाइयां हैं जिनसे हम मजबूर हैं। उन्हें सरकार द्वारा हमें मिलनी चाहिए, ना ही बत्ती है, ना ही केंद्र है आंगनबाड़ी, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना बत्ती है, ना कोई ट्यूबवेल है। इन वजह से हम मजबूर हैं, खेती कर नहीं सकते, बत्ती नहीं है तो ट्यूबवेल नहीं, इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा गांव सुधरे।